जब छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की समस्या रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा इस दवा का उपयोग करने के लिए बच्चों में दिया जाता है। इस दवा का डोज क्या होता है, ये ड्रॉप कैसे पिलाना होता है, जब बच्चा छोटा होता है तब उसे कितना ड्रॉप देना होता है, कितने महीने से लेके कितना ड्रॉप देना होता है, और ये दवा का काम क्या होता है, ये दवा छोटे बच्चों में क्या दिक्कत, क्या परेशानी रहती है तब डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, इस दवा का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये दवा देना कैसे होता है, कितने एज से कितना एज तक दिया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि जब बच्चों में, छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की समस्या हो जाता है, या फिर किसी कारणवश बच्चे को एलर्जी हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा खांसी आता है, खांसी आता है तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों में उनको ऑटोमेटिक फीवर की समस्या आ जाता है, बच्चों के जो नाक होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तब इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप छोटे बच्चों में पिलाने के लिए दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस दवा के कंपोजिशन के बारे में बताते हैं, इस दवा में क्या क्या सॉल्ट पाया जाता है। जैसे कि जो इसमें हमारा पहला कंपोजिशन होता है पैरासीटामॉल, और दूसरा होता है फिनाइल फेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, और जो अगला हमारा सॉल्ट होता है क्लोरफेनिरामीन माइलेट होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस दवा का डोज छोटे बच्चों में कैसे निर्धारित करके दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चा 6 महीने का होता है तो जो बच्चे का वेट होता है वो 6 से 7 किलो होता है, तब बच्चे को इस दवा का डोज 0.7 या 0.8 ड्रॉप दिया जाता है। जैसे कि 0.7 ml या 0.8 ml दिया जाता है, यानी बच्चे को 1 ml आपको नहीं देना और है। जैसे कि अगर बच्चा 10 किलो का है तब आप उसे 1 ml दे सकते हैं। जैसे कि जो दवा का डोज होता है ये बच्चे की कंडीशन और उसके एज और उसके बॉडी वेट और उसकी दिक्कत परेशानी को देखते हुए डॉक्टर इस दवा का डोज निर्धारित करके देते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस दवा का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि अगर बच्चों को ये दवा आप ओवरडोज की मात्रा में देंगे तो बच्चों का लीवर डैमेज हो सकता है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा नींद आ सकता है, बच्चे को चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, और बच्चे को और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो कभी भी आप ये दवा बच्चों में ओवरडोज की मात्रा कभी ना दें। अगर आपके बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करें, उसके बाद में कोई इंजेक्शन, कोई दवा, कोई सिरप बच्चे को दें। कभी भी कोई भी सिरप आप अपने बच्चे को अपनी मर्जी से ना दें।